वालेकुम दोस्तों, आज हम ऑटोमेटिक मशीन का गेयरबॉक्स कैसा फिट करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ये अभी हमने पुराना ये गेयरबॉक्स ख़राब हो चुका था, अभी हमने इसके अंदर नया फिट करे है। और ये इसका ड्रेन पाइप है, ये ड्रेन पाइप यहाँ पे लगना चाहिए। ये तार इसका, ये जो मोटर है ड्रेन मोटर, ये इसको इधर से खींचता है तो यहाँ से पानी निकलता है। और ये हमारा पुराना गियरबॉक्स है, हमने निकाला है इसको। और इसके ये जो चार नट में फिट हो गया है ये, और ये जो दो नट है यहाँ पे मोटर फिट होगा इसका, वॉशिंग मशीन का। और ये ऑटोमेटिक मशीन का गियरबॉक्स है, ये नया हमने चेंज किया है। ये अंदर का भाग है, अभी हम इसके अंदर स्पिन का जो ड्रम आता है जिसमें पानी रहता है वो फिट करने वाले हैं। वो ड्रम वो रहा, लेके आओ इधर। अभी ये अंदर का स्पिन का ड्रम है, ये इसके अंदर चौरस गाला है। ये यहाँ पर भी गियरबॉक्स में भी ऊपर का ये चौरस है, ये स्पिन वाला है। और ये ऊपर का, यहाँ पे दो सिस्टम होता है, ये स्पिन का है, ये वॉश का है। तभी हम लोग इसको फिट करने वाले हैं। ये इसका चारों गाले में बैठ जाएगा। ये ड्रम फिट हो चुका है, अभी हम लोग ये नट इसके ऊपर से फिट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा नट होता है, इसको बराबर सही दिशा में फिट कर टाइट कर देना चाहिए। अभी ये फिट हो चुका है, ये देखिए स्पिन का शुरू है अभी। और इसके ऊपर पल्सेटर आ जाएगा, यहाँ पे पल्सेटर फिट होगा ये गाले में, ये ऊपर ये पल्सेटर फिट होगा। ये हमारा ये ऊपर का जो है वो पल्सेटर का है, ये स्पिन का है। देखो ये स्पिन करता है, इसके अंदर स्पिन कपड़े सुखाने वाला। अब ये नट को हम लोग टाइट कर रहे हैं। अब ये नट फुल टाइट हो चुका है। ये सस्पेंशन रॉड है, ये ब्लू वाले बैक साइड की तरफ होते हैं, बैलेंस के हिसाब से रहता है। और ये वाइट वाले आगे की साइड में, ये सस्पेंशन है बॉक्स के। ये हम लोग इसकी कैबिनेट में उतार रहे हैं हम लोग, ये गियर बॉक्स पूरा कंप्लीट। इसको ऐसा ऊपर उठा के ऐसा अंदर लगाना चाहिए। और ये सस्पेंशन यहाँ से गाला रहता है, इसको इस टाइप। ये थोड़ा सा ऐसा उठा के छोड़ दिए इसको, उसके बाद ये चौथे वाला सस्पेंशन। ये फिट हो चुका है, अभी हम लोग इसके अंदर पल्सेटर बिठाने वाले हैं। और उसके बाद में इसके ऊपर का कवर और वायरिंग करेंगे। अभी हम लोग अभी इसके ऊपर का कड़ा पैक कर रहे हैं, ये स्क्रू में हो जाएगा फिट। ये इस टाइप में बैठ जाता, ये बैठ चुका है, वहाँ से स्क्रू दे दो। अभी ये स्क्रू टाइट कर रहे हैं इसको, ये पैक हो जाएगा। उसके बाद में पल्सेटर है और वॉश मोटर फिट करना है, उसकी हम वायरिंग बताएंगे आपको। अभी हम लोग ने ये नया पल्सेटर लाया है इसके लिए, इसका पुराना पूरा ख़राब हो चुका था। अभी हम ये नया पल्सेटर फिट कर दिए है।
आपको।